नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। पिल्हार पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच ने एक ऐसे हत्या के मामले का खुलासा किया है जिसमें भांजे ने अपनी मामी जो कि उसकी तथाकथित प्रेमिका थी उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस भांजे ने अपनी जो प्रेमिका है, जो मामी थी, उसको जंगल में ले जाकर वहां पर गला काट कर दर्दनाक हत्या की। आइए बताते हैं कि आखिर क्या है इस पूरे हत्या के पीछे की कहानी। पूरा मामला इस प्रकार है कि बीते 28 तारीख को नाला सुपारा पूर्व स्थित धानियों बाग के जंगलों में पिल्हार पुलिस को एक अज्ञात महिला का शव बरामद होता है। प्राथमिक दृष्टि से ये तय था कि महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, जिसके चलते पिल्हार पुलिस अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मामला दर्ज करती है और हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुट जाती है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस जब अज्ञात महिला के शव के आसपास की तलाशी लेती है तो पुलिस पाती है कि शव के पास पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला गर्भ निरोधक साधन और एक स्प्रे पड़ी हुई है, जिससे यह आशंका होती है कि ये दोनों ही वस्तुएं आसपास के किसी मेडिकल से खरीदी गई होंगी, जिसके बाद वस्तुओं पर लगे बैच नंबर के आधार पर पुलिस की एक टीम उस मेडिकल तक पहुंचने में सफलता हासिल कर लेती है जहां से ये वस्तुएं खरीदी गई थी और मेडिकल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ एक टीम अज्ञात महिला की पहचान करने में जुटी हुई थी। अब क्योंकि महिला ने बुर्का पहन रखा था, जिससे चलते यह स्पष्ट था कि हो न हो यह महिला मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखने वाली है, जिसके चलते पुलिस द्वारा मतदान सूची में मुस्लिम महिलाओं के नाम की एक शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाती है और जांच आगे बढ़ाई जाती है। मतदान सूची से प्राप्त एड्रेस के आधार पर पुलिस हर घर का प्रशिक्षण करना शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस पाती है कि धानियों बाग के तालाब के पास स्थित जिया उल्लाह शाह नामक व्यक्ति के घर पर दो छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और उनकी मां सायरा बानू पिछले 3 दिनों से लापता हैं, तथा जो पिता हैं वो पुलिस स्टेशन गए हुए हैं, जिसके बाद पुलिस जिया उल्लाह शाह से संपर्क करती है और मृतक महिला के शव की शिनाख्त करने में कामयाबी हासिल कर लेती है। मृतक महिला की पहचान 34 वर्षीय सायरा बानू के तौर पर होती है। मृतक महिला कौन थी इस बात का खुलासा अब हो चुका था, लेकिन उसकी हत्या क्यों और किसने की इसका पता लगाना अब भी बाकी था। पुलिस की दूसरी टीम जो मेडिकल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही थी, उन्होंने पाया कि 24 तारीख की सुबह करीब 9 बजे के आसपास एक अज्ञात युवक द्वारा गर्भ निरोधक साधन और स्प्रे खरीदा गया है, जिसके बाद वह फुटेज पुलिस सीधा सायरा बानू के पति को दिखाती है, जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि फुटेज में दिख रहे लड़के का नाम नजाबुद्दीन मोहम्मद समी है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। सायरा बानू का पति पुलिस को यह बताता है कि नजामुद्दीन मोहम्मद समी सायरा बानू का भांजा है और पिछले 2 साल से इन दोनों के बीच अवैध संबंध चल रहा था, जिसके बाद पिल्हार पुलिस स्टेशन की डिरेक्शन ब्रांच दिल्ली जाकर कड़ी मशक्कत के बाद 21 वर्षीय नजाबुद्दीन मोहम्मद शमी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद इस बात का खुलासा होता है कि नजाबुद्दीन ने सायरा बानू को बिना बताए शादी कर ली थी, जिसके चलते सायरा बानू लगातार उस पर दबाव बना रही थी कि उसे बिना बताए नजाबुद्दीन ने किसी और से शादी क्यों कर ली। यही कारण था कि नजाबुद्दीन को यह भी डर था कि कहीं सायरा बानू उसकी बीवी को जाकर अपने बीच चल रहे अवैध संबंध के बारे में नहीं बता दे, जिसके चलते इन दोनों के बीच लगातार अनबन भी चल रही थी। यही कारण था कि नजाबुद्दीन ने सायरा बानू को रास्ते से हटाने की सोची और 27 तारीख को सायरा बानू की गला रेत कर धारदार हथियार से हत्या कर दी और उसके शव को धानुबाग के जंगलों में छोड़कर वहां से फरार हो गया। गौरतलब है कि इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को मात्र 24 घंटे में सुलझाते हुए पुलिस ने 72 घंटे के अंदर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 10 तारीख तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आइए देखिए इस पूरे मामले में पिल्हार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। इनको ये पहली बार पता चला, जो सरपंच थे उस गांव के, उनका हमने स्टेटमेंट लेके 302-201 के तहत केस दर्ज किया। उस स्पॉट विजिट में हमें कंडोम्स मिले थे और एक लुब्रिकेंट्स का कवर मिला हुआ था। उस कवर के ऊपर जो बैच कोड रहता है, वो कोड यहीं से कहीं यहीं अपने एरिया से वही मेडिकल से खरीदा हुआ होगा, ऐसे अंदाजा करके मैंने डिटेक्शन ऑफिसर रिपे पाटिल साहब को ये कौन से मेडिकल में से बेचा गया है ज़रा पता कर लीजिए, कि मैंने उनको आदेश दिया। वो हर मेडिकल में जाके पता कर रहे थे तो धानीबाग के एक मेडिकल में से वो लुब्रिकेंट्स एक 20-22 साल के उम्र के लड़के ने खरीदा हुआ है ये पता चला, तो सीसीटीवी में भी ऐसा दिखने में आया।
मुस्लिम की डेड लेडीज़ की डेड बॉडी है ये पता चला था। इसके लिए हम लोग अपने एरिया में मुस्लिम लोग जितने भी रहने वाले हैं मतदार यादी में नाम जिनका है वो हम लोग ढूंढ रहे थे। तो एपीआई पाटिल साहब को तो एक घर में दो बच्चे रोते हुए दिखाई दिए, उनके बारे में पता किया तो अड़ोस पड़ोस में पता किया तो पता चला कि 3 दिन से उनकी मम्मी गायब है और उनके मिस्टर जो है पुलिस स्टेशन गए हैं। तो साइमल्टेनियसली वो पुलिस स्टेशन भी आए थे तो उनको पूछने के बाद पता भी चला और उनको जो लेडीज़ के ऊपर से जो बंगड़ी मिली हुई थी उनके कपड़े वगैरह दिखाई दिए, उसके पैर की उंगली छोटी थी वो फोटो के ऊपर से दिखाने के बाद उन्होंने पहचान लिया। उनके पास जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उससे पता चला कि उनकी औरत का और उनका सगा भांजा है उनका 2 साल से अफेयर चल रहा था और 2-4 दिन पहले उसने इस एरिया में भी देखा था और उन्होंने मारा होगा ऐसा उन्होंने शक जाहिर किया। और उसका मोबाइल नंबर उनसे हमें मिलने के बाद उस मोबाइल का हमने एनालिसिस किया तो वो दिल्ली में है ऐसा पता चला। तो तुरंत हमारे डिटेक्शन ऑफिसर सोपान पाटिल और स्टाफ दिल्ली गए और कल रात को उसको ताबे में ले लिया और आज सुबह हमने अरेस्ट किया है। कोर्ट में रिमांड के लिए भेज दिया गया था, कोर्ट ने 10 तारीख तक रिमांड मंजूर किया है। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।